हेलो दोस्तों, नमस्कार। SMKC चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले ढेरों सारे ब्रेकिंग न्यूज़ को, एंड कल के दिन भी बहुत सारे स्टॉक्स हम लोग को इससे रिलेटेड प्रभावित होते हुए भी देखने को मिल सकते हैं। सो हर एक स्टॉक की अपनी अपनी कहानी है, हर एक स्टॉक का अपना अपना इवेंट है, तो एक एक इंडिविजुअली स्टॉक से बारे में यहाँ पे जानने की कोशिश करने वाले। तो फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी अभी एक ब्रेकिंग न्यूज़ आप लोगों ने देखी होगी, सिर्फ 2 घंटा ही यहाँ पे हो चुकी है कि नए कोविड गाइडलाइंस यहाँ पे गवर्नमेंट की ओर से इशू हो चुके हैं, जहाँ पे इसका जो फ़ायदा रहेगा वो किसको मिलेगा, सिनेमा हॉल्स को मिलने वाले। ये दोस्तों सिनेमा हॉल आप सभी लोग पता है सिर्फ 50% कैपेसिटी के साथ चल रहे थे, बट अभी उनका जो ऑपरेशन है ओवर द 50% वो लेके यहाँ पे जा सकते हैं। सो ज़रूर हम लोग कह सकते हैं कि इसके ये जो पॉजिटिव न्यूज़ के चलते जो PVR का जो स्टॉक है उसके ऊपर आप लोग कल यहाँ पे फोकस रख सकते हो। उसी के साथ साथ आइनॉक्स की भी अगर हम लोग बात करें तो ऐसे दोनों स्टॉक्स को यहाँ पे इस न्यूज़ का बहुत ही भयंकर फ़ायदा हो सकता है। आप सभी लोग पता है बीच में एक स्टेट ने इंडिविजुअली अपने ही स्टेट के प्रति यहाँ पे क्या किया था, 50% से ज़्यादा कैपेसिटी बढ़ाई थी, बट बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कह दिया था कि आपको ये विड्रॉ करना पड़ेगा ऑर्डर। बट फाइनली अभी ये ऑफिशियली हम लोगों को देखने को मिल चुका है कि अभी पूरे इंडिया में हम लोग कह सकते कि जो थिएटर्स है, सिनेमा हॉल, अभी 50% से ज़्यादा कैपेसिटी के साथ यहाँ पे चलने वाले हैं। सो कल इन दो स्टॉक्स के ऊपर आप लोग फोकस रख सकते हो। देन दोस्तों, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें आदित्य बिरला फैशन, यस दोस्तों आप सभी लोगों को पता है ये स्टॉक बीच में चर्चे में इसीलिए आया था क्योंकि आप सभी लोगों को पता है फ्लिपकार्ट ने 1500 करोड़ इसमें निवेश किया था, एंड वो डील बीच में रुकी थी FDI की वजह से, बट उसको हरी झंडी बाद में मिल चुकी थी। सो अभी हम लोग बात करें आदित्य बिरला फैशन, यहाँ पे उन्होंने एक स्टेक बाय किया 51%, यस उसके लिए उन्होंने लगभग 400 करोड़ हम कह सकते हैं खर्चा किया है इन डिज़ाइनर ब्रांड की। अगर हम लोग बात करें किसमें, तो आप लोग यहाँ पे नीचे भी इस न्यूज़ को यहाँ पे पढ़ सकते हैं किससे रिलेटेड, तो हम लोग देख सकते हैं। देखिए सब्यसाची सेल 51% स्टेक टू द आदित्य बिरला फैशन। सो हम लोग यहाँ पे ज़रूर कह सकते हैं कि ये जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इसका जो फायदा रहेगा वो फ्यूचर में हम लोग को आते हुए देखने को मिल सकता है। डायरेक्टली किसी भी स्टॉक में आप लोगों ने निवेश नहीं करना चाहिए। देन दोस्तों, अगर हम लोग बात करें अभी अभी और एक न्यूज़ यहाँ पे आ चुकी है, द हिंदू न्यूज़पेपर में भी आप देख सकते हो, द ED अरेस्ट येस बैंक के जो को फाउंडर थे राणा कपूर इन अ फ्रेश मनी लॉन्ड्रिंग केस। यस दोस्तों, इसी के चलते मतलब ये न्यूज़ आपको पता होनी चाहिए, आप देख सकते हो टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ एक्सप्रेस, बिजनेस टुडे में भी आप लोगों को ये न्यूज़ देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो जो लोग नए रहते बिल्कुल फ्रेश स्टॉक मार्केट में, तो ये सोचेंगे कि अभी येस बैंक की बैंड बजेगी तो इससे येस बैंक को 1% का भी फर्क नहीं पड़ेगा। वो येस बैंक पुरानी वाली थी, वो अभी हट चुकी है, जो भी कुछ होना था उसी का नतीजा देखने को मिल रहा है, जो ये स्टॉक हम लोग को 10-20 रुपये के आसपास देखने को मिल रहा है। सो ईडी अभी राणा कपूर के साथ कुछ भी करे उसका कोई भी येस बैंक के साथ यहाँ पे लिंक फिलहाल तो नहीं रहेगा, मतलब उसके शेयर प्राइस पे कोई भी असर नहीं रहेगा। देन अगर हम लोग बात करें IPO, तो आप सभी लोग पता है स्टोक्राफ्ट का IPO यहाँ पे सब्सक्राइब हो चुका है सेकेंड डे पे ही 2.93 times। यस दोस्तों, मैं ऑलरेडी आप लोगों को यहाँ पे बता चुका हूँ, इससे रिलेटेड डिटेल वीडियो भी बना चुका हूँ, लॉन्ग टर्म के लिए तो बिल्कुल ना है। आप सभी लोगों को पता है केसेस से रिलेटेड लिटिगेशंस, कितने सारे आरोप है कंपनी के ऊपर, प्रमोटर के ऊपर, डायरेक्टर के ऊपर, सो बिल्कुल ना है। इससे रिलेटेड डिटेल वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप लोग यहाँ पे ज़रूर देख सकते हो। एंड फिलहाल गिरावट वाले माहौल में तो मतलब आप सभी लोगों को पता है लिस्टिंग गेन बहुत ही ज़्यादा शैटर्ड होते हुए भी देखने को मिल सकता है। सो नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो HUL, ये दोस्तों HUL के आज नंबर थे, एंड नंबर की अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हो उनका जो Q3 का प्रॉफिट है लगभग 19-20% जंप करते हुए देखने को मिला है, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1921 करोड़, 1921 करोड़ हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। रेवेन्यू में भी अगर हम लोग बात करें तो 21% की जंप है। HUL एक ऐसा स्टॉक है जो कि मैं ऑलरेडी कल भी आपको बता चुका हूँ कि नंबर्स कैसे भी आ जाए ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बढ़िया है। सो लास्ट वीडियो में जरूर मैंने HUL को कवर नहीं किया होगा, सो हो जाता है जैसे मैंने कहा कि सिर्फ स्टॉक के ऊपर फोकस मत करना, लास्ट वीडियो जरूर आपने देखा होगा, तो प्रोसेस के ऊपर फोकस रखो। तो ये डेट फ्री स्टॉक है, अपने सेक्टर का लीडर है, नंबर भी ठीक ठाक इसने अच्छे दिखाए हैं, बट ये जैसे मैंने कहा कि लॉन्ग टर्म वाला है, थोड़ा सा नीचे क्या आ जाता है रिटेल इन्वेस्टर इसमें डर जाते हैं। सो ये इतना फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर है क्योंकि FMCG सेक्टर से जुड़ा हुआ स्टॉक है। सो जरूर हम कह सकते हैं इसके नंबर बहुत ही अच्छे आ चुके हैं। देन अगर हम लोग बात करें मैरिको में, तो आज हम लोग को बहुत सारी चीज़ें सीसो जैसी चीज़ें देखने को मिली, ज़बरदस्त क्रैश हुआ, बाद में वापस रिकवरी होके ऊपर देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो जिन्होंने भी ट्रेडिंग किया होगा स्टॉप लॉस ज़बरदस्त उनका हिट हो गया होगा, तो यही ज़्यादा चीज़ें हम लोग को देखने को मिलती है। एंड मैरिको के भी आज Q3 के नंबर्स थे जो कि 312 करोड़ का नेट प्रॉफिट उसने दिखा है, लगभग 13% की जंप मैरिको में भी देखने को मिल चुकी है। सो जरूर जिन कंपनीज़ के नंबर्स पॉजिटिव आ चुके हैं दोस्तों, ऐसे कंपनीज़ को ज़रूर रडार के ऊपर रखना है, ये सबसे बड़ा पॉइंट है जो कि आप लोगों ने नोट करके चलना चाहिए। देन अगर हम लोग बात करें आईफोन की, तो यस दोस्तों मेड इन इंडिया आईफोन यहाँ पे जल्द ही हम लोगों को देखने को मिल सकता है। आईफोन 12 की अगर हम लोग बात करें कि
इंडिया में ही उसका प्रोडक्शन यहाँ पे हो सकता है, मतलब उसका जो प्राइस है वो हम लोग को घटते हुए भी देखने को मिल सकता है। सो बहुत ही अच्छी बात है अगर आईफोन जैसी कंपनी अगर यहाँ पे इंडिया में आ जाती है तो बहुत ही ज़बरदस्त हम लोगों को एक बोलते हैं ना इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ही ज़बरदस्त एक एडवांटेज भी ज़रूर यहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा। सो देख लेते हैं ये मार्च तक की ये बात हो रही है हकीकत में क्या होता है कि नहीं, क्योंकि इंडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है किसी भी विदेश की कंपनी को यहाँ पे आना तो होता है टैक्सेशन। इतने सारे टैक्सेस है, ये टैक्स वो टैक्स ये वो, बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें होती है। सो ज़रूर अगर सरकार यहाँ पे कुछ ना कुछ करेगी तो ज़रूर वो यहाँ पे आ सकते हैं। देन अगर हम लोग बात करें फाइज़र, तो वैक्सीन से रिलेटेड ही कोई न्यूज़ रहेगी तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सेनोफी से रिलेटेड, सेनोफी टू प्रोड्यूस द मिलियंस ऑफ बायोटेक फाइजर वैक्सीन टू सप्लाई द यूरोपियन यूनियन। सो गजब का ये न्यूज़ हम लोग को देखने को मिल रहा है, लगभग 10 मिलियन के आसपास हम लोग के सारे डोसेज भी देखने को मिल सकते हैं। सो ज़रूर फाइजर का इसका मतलब जो फ़ायदा रहेगा फाइजर को 10 भी नहीं, ये देखिए सॉरी मैंने गलती से 10 बोल दिया, 100 मिलियन की यहाँ पे बात हो रही है, डोजेस की बात हो रही है प्रोड्यूस करने की। सो ज़रूर हम लोग कह सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ है, बट लॉन्ग टर्म में इसका फ़ायदा फाइजर को यहाँ पे हो सकता है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों तो भारतीय एयरटेल कल 12 बजे यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे करने वाले हैं, कुछ तो बड़ा अनाउंसमेंट यहाँ पे होने वाला है, ऐसी न्यूज़ यहाँ पे मार्केट में चल रही है। वो न्यूज़ किससे रिलेटेड रहेगी किसी को भी ऐसा कुछ आइडिया नहीं है। सो कल 12 बजे हम लोग को देखना है कि भारतीय एयरटेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या यहाँ पे चीज़ सामने रखती है। ऑब्वियसली कोई तो अच्छी न्यूज़ रहेगी जो कि कंपनी को फ़ायदा दिला सकती है, सो वही हम लोग को देखना है। तो इसको भी आप लोग फोकस में यहाँ पे रख सकते हो, एंड सिर्फ यही नहीं इसके जो कॉम्पिटिटर है वो भी ज़रूर फोकस रखेंगे कि ऐसा ये क्या अनाउंसमेंट यहाँ पे करने वाले। देन अगर हम लोग बात करें अमेरिकन बाजार की, एक बार मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर लेता हूँ, डो जोन्स की मैं बात करूँ तो फिलहाल अभी डाउन देखने को मिल रहा है, 350 पॉइंट्स की यहाँ पे गिरावट है। आप सभी लोग पता है FOMC की मीटिंग ये सबसे इंपॉर्टेंट की रोल यहाँ पे प्ले करने वाला है, एंड इतने हायर लेवल पे भी हम लोग कह सकते हैं कि जंप के चांसेस बहुत ही रेयर होते हैं, बहुत ही रेयर टू रेयर होते हैं। सो देख लेते हैं कि यहाँ पे ये आने वाला मतलब आज का दिन और ये कल का दिन यहाँ पे FOMC के मीटिंग से रिलेटेड क्या आउटकम यहाँ पे निकलता है, क्योंकि जो डो जोन्स में हम लोग को चीज़ें देखने को मिलेगी उसी का रिफ्लेक्शन हम लोगों को पूरे ग्लोबल मार्केट के ऊपर देखने को मिलेगा, एंड प्लस हमारे इंडिया में तो बजट भी है। सो बहुत ही ज़बरदस्त तड़का यहाँ पे मार्केट में लग भी सकता है। देन अगर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट किसी स्टॉक के ऊपर आ सकते हैं जो कि है डॉक्टर रेडीज, सो डॉक्टर रेडीज़ में आज हम लोग को 3.5% की गिरावट क्यों देखने को मिली, तो इसके चलते अगर आप चाहो तो यहाँ पे एक न्यूज़ पढ़ सकते हो, जैसे कि डॉक्टर रेडीज़ लेबोरेटरीज़ की अगर हम लोग बात करें, उन्होंने टर्मिनेट कर दिया कुवैत बेस COVID-19 का जो ट्रीटमेंट स्टडी था वो यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल चुका है, जो कि आज ही के दिन ड्यूरिंग द मार्केट ही हम लोग को ये सारी खबरें यहाँ पे देखने को मिल चुकी है। सो अपडेट रहने के लिए सारी चीज़ें काम करती है। देन एस्ट्राजेन की अगर मैं बात करूँ तो वापस कहना चाहूँगा, बहुत सारे लोग पूछते हैं सर इसमें गिरावट 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 होती रहती है तो क्या करें, आज के दिन तो भागा जरूर है, बट अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों एस्ट्राजेन ये कंपनी फंडामेंटल स्ट्रांग है, बट ये मिड कैप स्टॉक है। मैं ऑलरेडी ये इसीलिए मैं आपको दिखाता हूँ ये सारी चीज़ें जो स्किप करते बहुत सारे लोग कि ये मिड कैप स्टॉक है, मिड कैप स्टॉक में ये गिरावट आम बात है, ये 10% 15%, एंड अगर आपको देखना ही है कि इसकी गिरावट कितनी बड़ी होती है तो ये देख लेना। इसके पहले ये जो एस्ट्राजेन है ना, ये देख लीजिए यहाँ पे 2013 में 70% गिरा था। सो याद रखना ये मिड कैप का नेचर ही रहता है, बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल स्टॉक रहते हैं, तो सिर्फ मिठाई नहीं देखनी, क्रीम नहीं देखना है, उसके पीछे का रिस्क भी रहता है वो भी ज़रूर भापना होता है, जो कि रिटेल इन्वेस्टर मिस कर देते हैं। 5 साल की भी बात करें तो ये देखिए इसके पहले भी स्टॉक ने बहुत बड़े बड़े गिरावटें यहाँ पे दिखाई है। सो अगेन कहना चाहूँगा ये मिड कैप स्टॉक है, अगर आपको डर लगता है तो ज़रूर ऐसे मिड कैप स्टॉक में आप लोगों ने नहीं रहना चाहिए, जो कि एक जिगर का काम होता है। देखा जाए तो कंपनी डेफ फ्री है, कोविड से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें इंडिया में भी बहुत ही अच्छी तरीके से इनका बिजनेस चल रहा है, तो लंबी अवधि के लिए ज़रूर फायदा हो सकता है, बट अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं 2 दिन में 2 हफ्ते में 2 महीने में मुझे फटाफट रिटर्न मिल जाए, सो आप लोग गलत ट्रैक पे, ये भी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। सो आप ऐसा करता हूँ दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स थे वो मैंने आपको बता दिया, एंड सबसे खास अगर कोई बात यहाँ पे रहेगी तो ज़रूर भारतीय एयरटेल कल के दिन का स्टार रहेगा, 12 बजे क्या रहेगा वो देखना है, एंड PVR आइनॉक्स के ऊपर फोकस रखना है, किसके लिए, क्योंकि 50% से ज़्यादा अभी यहाँ पे थिएटर्स ऑफिशियली ओपन करने का सरकार की ओर से प्रस्ताव आ चुका है, नए गाइडलाइंस इशू हो चुके हैं, सो ज़रूर उसका छोटा मोटा फायदा उनको मिल सकता है। मैं वापस कहना चाहूँगा मेरे वीडियोस देख के बहुत सारे लोग ट्रेडिंग करने की कोशिश करते हैं, मैं कोई भी आपको रिकमेंडेशन ट्रेडिंग की टिप्स कोई भी चीज़ नहीं प्रोवाइड करता हूँ, मैं सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ एंड सिखाने की कोशिश यहाँ पे करते रहता हूँ। सो आई आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो जरूर इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।